नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आज हम बनाने वाले हैं हरे चने से नाश्ते की नई रेसिपी। ये जो नई रेसिपी है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन साथ साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि ये हरे चने से बनी है और इसको बनाने में हमने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया। बहुत थोड़े से ऑयल में हमने इसको बना के रेडी किया है। आपको लगेगा कि इसको मैंने सेलो फ्राई या फिर फ्राई किया है, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसको मैंने बहुत कम ऑयल में, यानी कि आधे चम्मच में, एक ऐसा बहुत कम ऑयल में मैंने बना के रेडी किया है। आप इसको दही चटनी के साथ खा सकते हो या फिर सॉस के साथ खा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस नाश्ते की रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप हरा चना। ये जो फ्रेश हरा चना होता है उसको लिया है, उसके बीज निकाल के 1 कप लिया है। ऊपर से हम बस 5-6 बूंदे ऑयल के डालेंगे। ऑयल यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो 5-6 बूंदे मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। गैस को फास्ट करेंगे और फास्ट गैस पे इस चने को, यानी कि हरे चने को भून लेंगे। 2-3 मिनट में ये फटाफट से भून के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 मिनट में ये जो हरा चना है ये भून चुका है। ऊपर आप देख सकते हो चने के चीटिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा काला हो चुका है। तो बहुत ही फास्ट से हमें इसको भून लेना है। तो ये भून के रेडी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, यानी कि साबुत जीरा, 4 हरी मिर्ची। ये तीखी वाली हरी मिर्ची है तो मैंने 4 ली है। आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो 2 भी ले सकते हो। और उसके बाद मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ डाली है। उसके बाद हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही। इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो दही डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसते टाइम मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो पिसा हुआ हरा चना मैंने बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से डालेंगे हम स्वादानुसार नमक और ये जो है ये बारीक सूजी है 1/2 कप, यानी कि 1 कप मैंने हरा चना लिया था तो 1/2 कप मैंने सूजी ली है, बारीक वाली सूजी। तो चलिए अब हम इस बैटर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से सभी चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। मैंने मिक्सी के जार में ही पानी डाला है जिसमें हरा चना पीस लिया था। तो अच्छे से पानी डालते हुए मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी लगेगा इसके लिए। तो और थोड़ा पानी डाल दिया है, मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये इस तरीके की होनी चाहिए। बाद में ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि सूजी जो है वो फूल जाएगी तो बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। इसको 20 या 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं फूलने के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो बैटर है हमारा हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन बस इतना ही हमें चाहिए। तो अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1/2 छोटी चम्मच खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा। मीठा सोडा जब आप ये रेसिपी बनाते हो, यानी कि पैन में बनाते टाइम ही खाने का सोडा डालें। तो मैंने 1/2 छोटी चम्मच खाने का सोडा डाल दिया है, मिक्स किया है अच्छे से। तो अब मैंने गैस के ऊपर चाय का जो छोटा सा पतीला होता है उसको रख दिया है, क्योंकि मेरे पास छोटा पैन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा पतीला रख दिया है। आप चाहो तो बड़े पैन में भी बना सकते हो, लेकिन इसका जो शेप है मुझे परफेक्ट चाहिए, गोल गोल। तो इसीलिए मैंने इस छोटे से पतीले में इसको बना दूंगी। तो पहले नीचे थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके बाद 2-3 चम्मच बैटर डाल देना है और प्लेट से ढक देना है इसको। तो 3 मिनट होने के बाद, गैस स्लो था तो 3 मिनट होने के बाद मैंने प्लेट निकाल दी है। तो ऊपर से बस 3-4 बूंदे ऑयल की छोड़नी है और अब हम इसको पलटी करना है, यानी कि इसकी साइड चेंज करनी है। तो साइड चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट का इस्तेमाल करूँगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये तुरंत ही निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है, फिर से हम इसको इसी पतीले में डाल देंगे। ऊपर से मैंने पहले ही तेल लगा दिया था,
तो हाथों की हेल्प से या फिर चम्मच या फिर स्पैचुला की हेल्प से आप फिर से इसमें डाल सकते हो। तो डाल दिया है, चलिए गैस के ऊपर रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, ये दोनों साइड से भी अच्छे से पक चुका है। एक साइड से ये थोड़ा सा इस तरीके का रहेगा, आप चाहो तो दोनों साइड से भी बहुत ज़्यादा पका सकते हो, भून सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक साइड से इसको क्रिस्पी बनाया है और दूसरी साइड से थोड़ा सा कम पकाया है, तो ऐसे ही रखना है। तो इसी तरीके से मैं और भी कुछ ये जो स्नैक है ये बना के रेडी करूँगी नाश्ता। तो ऑयल डाल दिया है, बैटर भी डालेंगे। अगर आपके पास ऐसा छोटा वाला पतीला नहीं है तो पैन में किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला पैन रख दिया है गैस के ऊपर, पैन गर्म हो चुका है, थोड़ा सा ऑयल डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तो बस इतना सा ऑयल चाहिए हमें। तो अब हम इसमें डालेंगे बैटर जो हमने बना के रेडी किया है। तो इस तरीके से 3 चम्मच मैंने बैटर डाल दिया है, थोड़ा सा इस तरीके से फैला देंगे और प्लेट रख के, ऊपर प्लेट रख के इसको अच्छे से पकने देंगे और साइड चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से आप पैन में भी बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये जो नाश्ता रेसिपी है ये बना के रेडी की है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है। इसको आप ज़्यादा तो दही चटनी के साथ खा सकते हो। मेरे चैनल पे दही चटनी के भी रेसिपी जो है वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतने मोटे चाहिए, लेकिन ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। तो दही चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करना, अगर दही चटनी नहीं बना सकते तो सॉस के साथ। लाइक जरूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते